हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू शून्य। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप शून्य मोबाइल एप्लीकेशन से बाय और सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने पहले से ही शून्य मोबाइल एप्लीकेशन लॉगिन किया हुआ है और यहां हम डैशबोर्ड पर हैं। यहां हम अब जाएंगे वॉच लिस्ट पर, जहां हम बाय सेल करने के लिए किसी एक स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। हम प्राइस में लिमिट प्राइस डालेंगे 33 रुपये और फिर बाय बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा बाय ऑर्डर प्लेस हो गया है, जो अभी ओपन में है, और यह तब एक्सिक्यूट होगा जब एक्सचेंज का प्राइस हमारे बिड प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा। इस ऑर्डर को अब हम मॉडिफाई करेंगे, तो यहाँ हम मॉडिफाइड बटन पर क्लिक करेंगे। और प्राइस को एडिट करके मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा बाय ऑर्डर सक्सेसफुली मॉडिफाई भी हो गया है। और अब हम इस ऑर्डर को कैंसिल बटन से कैंसिल करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा बाय ऑर्डर कैंसिल भी हो गया है। अब हम सेल ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ हम ट्राइडेंट पर ही सेल ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि हमने ट्राइडेंट बाय किए हुए हैं, जिसके लिए ट्राइडेंट पर क्लिक करेंगे और फिर सेल बटन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे सेल विंडो ओपन हो गया है। यहाँ सेल के लिए हम अपना लिमिट प्राइस डालेंगे 33 रुपये 50 पैसे और फिर सेल बटन पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे हमारा सेल ऑर्डर प्लेस हो गया है और ओपन में है, और यह तब एग्जीक्यूट होगा जब एक्सचेंज का प्राइस हमारे बिड प्राइस के अकॉर्डिंग आएगा। इस ऑर्डर को अब हम मॉडिफाई करके, तो यहाँ हम मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे और प्राइस को एडिट करके मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा सेल ऑर्डर सक्सेसफुली मॉडिफाई हो गया है। और अब हम इस ऑर्डर को कैंसिल बटन से कैंसिल करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा सेल ऑर्डर कैंसिल भी हो गया है। तो यह था एक ब्रीफ ओवरव्यू कि कैसे आप शून्य मोबाइल एप्लीकेशन से बाय और सेल कर सकते हैं।